नमस्कार, स्वागत है आपका समाचार एक्सप्रेस में। मैं आपके साथ नेहा वर्मा। पंजाब के तरनतारा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां एक शादीशुदा युवती को फोन नंबर देना एक युवक को भारी पड़ गया। युवती के ससुराल वालों और मौके पर मौजूद अन्य लोगों ने उस युवक को पकड़कर नंगा करके उसकी जमकर पिटाई की। उन्होंने युवक को नंगा बाइक पर ही घुमाया। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है, आप भी देखिए वीडियो। लागे नी जाएगा अमृतसर गई सी अपनी मम्मी दे कोल और उधरों आंदे आंदे मैनू 5:30-6 बज गए और नहर तो एक मुंडा बैठा जिदा कि ना मैनू बाद विच पता चलिया कि उहदे नाल उहने जद सवारियां बाकी आटो विच उतर गईयां तां उहने देख लिया कि हुणे कल्ली आ। जबरदस्ती हद तों वध मेरी इज्जत ते हाथ पाउण दी कोशिश कीती। काफी वार मैं छुड़ाया पर उह नहीं संभलिया। जदों उहने हद तों वध मैनू हाथ फड़िया, चुन्नी फड़ी मेरी, बहुत ज्यादा उहने इज्जत ते हाथ पाउण दी, फिर मैं रौला पाया। फिर उह जल्दी जल्दी विच पिंडर फार्म लागे उतर कर नंबर झोली विच सुट गया। जद मैं झोली विच थले सुटदा तां जबरदस्ती हाथ विच फड़ा के फिर चले गया। फिर जब मैं घर गई तो घर मैं काफ़ी घबराई सी, पर फिर भी मैं अपने हस्बैंड दस्या, अपनी सास में दस्या, तो उन्होंने मेरे हस्बैंड ने कहा कि चलो देख लेने, शायद मेरे वाकफ का कोई होवे, असी शनाख्त करन दा फैसला लिया। फिर सवेरे इन्हें मैं फोन करके बुलाया, इन्हें मैनू फोन पर कहा कि मैनू मिलना घरे आ, 1 बजे तक मेरे घर कोई भी नहीं होना, तू मैनू मिलना। फिर मैं इन्हें कहा कि मैं मिलन आ नहीं सकती, तू इत्थे आ जा, पावर ग्रिड लग गई। चलो इत्थे आ गया। बाद विच मेरे हस्बैंड झाड़ियां पिछे लुक गए सीगे, इन्हें जब देख लिया कि हुणे कल्ली है, एक्टिवा दे लागे खलोती है, इन्हें फिर जबरदस्ती मेरे नाल उही कुछ करन दी कोशिश कीती। जद इन्हें मैनू धक्का मार के एक सुनसान जगह ते लै गया, हाथ जबरदस्ती हाथ फड़ के, तद मेरे हस्बैंड अगे आए ते उन्होंने इन्हां दे 2-4 थप्पड़ लाए। ये तो यही कुछ वेख के रौला पैंदा वेख के लोग इकट्ठे हो गए। लोगों ने बाद विच इहनूं काफ़ी कुट्टिया, हुण राह करे ने इन्हां नूं काफ़ी कुट्टिया। असीं दोनों बाद विच इहदी शनाख्त करके असीं चले गए सी। हुण लोगों ने इहदे नाल की कीता की नहीं कीता इस गल दा सानूं नहीं पता। बाकी मैं कैप्टन अमरिंदर सिंह नूं इही अपील करदी कि हजारां कुड़ियां इस चीज़ का शिकार होईयां वा, उन्हां विच एक मैं वी हाँ, किसी की धी हाँ, किसी की नौं हाँ, एक बच्चे की माँ वा, तो मैनूं इंसाफ दिता जाए, ना कि दोषी करार किया जाए। और जो दोषी आ उहनूं बाइज्जत बरी किया गया वा और मैनूं परेशान किया जा रहा वा घर दे विच बार बार रेड पा पा के। पता लगा तुहाडे दे सारे परिवार ते पर्चा देता पुलिस ने? हाँ जी, मेरे जेठ नूं जिन्हां दा कोई कसूर नहीं सी उन्हां नूं जबरदस्ती इह पुलिस वाले लै गए। मेरी यही मांग है कि मैं इंसाफ दिया जाए, मेरे और मेरे हस्बैंड का कोई कसूर नहीं है, साड़ी फैमिली विच कोई नहीं, मेरा यही कसूर है कि मैं अपने हक वास्ते आवाज उठाई। जो तो नंबर तुसीं छोड़ दित्ता सी, तुहाडे कोल नंबर किवें आया फिर? नंबर जब मैं छोड़ दिता सी ना, इन्हें एक बार जो मैं छोड़ दिता नंबर, इन्हें अजे आटो खड़ा सी, पैसे दे रहा सी उन्हें, इन्हें फिर उही नंबर फड़ के मेरे हाथ विच फड़ा के गया। नंबर मैं घर लैके गई कि मैं इस दी शनाख्त करनी, मैं अपने हक वास्ते आवाज उठाई। मैं उन्हां कुड़ियां विचों नहीं जो कि घर आके चुप करके बैठ जांदियां। बाय चांस दी गल है कि इह लड़की पिंड जिथों मैं बिलोंग करती हूँ, और वैसे भी मैं एक NGO सोसाइटी फॉर वुमेन एम्पावरमेंट एंड ग्रीन कॉज चलानी है। NGO के नाते ऑलरेडी असं ये आवाज़ उठाते रहे हैं कि लड़कियों का बहुत शोषण हो रहा है। मीडिया के वीडियोज जिहड़ियां हैगियां ने, जां फेक फेसबुक IDs जिहड़ियां बन रही ने लड़कियों दियां, या लड़कियों फोन पर ब्लैकमेल किया जा रहा है, या अदरवाइज भी लड़कियों बहुत परेशान किया जा रहा है। रीजन बीइंग कि अजकल मोबाइल हर हद के विच हैगा, इंटरनेट हर हद के विच हैगा, और लड़के जिहड़े है इंटरनेट का मिसयूज करके जिहड़ा हैगा इन्हां लड़कियों नूं परेशान करदे ने। सो ऑलरेडी बहुत सारे आर्टिकल्स जिहड़े मैं लिखे ने और अखबारां च भेजे ने, और मैं दोबारा भी भेजांगी, और मैं अपील करदी ही आ सरकारां नूं कि ओह इन्हां विक्टिम लड़कियों नूं दोषी ना बनाउण, बल्कि दोषियों नूं सजा देण। हुण इस केस 'च वी इहो होइआ कि इह लड़की विक्टिम है, इहदे नाल नजायज़ जिहड़ियां अश्लील हरकतां होईआं इहनूं प्रोटेक्ट करन दी बजाए उल्टा इहदे हस्बैंड दे, इहदे जेठ दे, इहदे परिवार दे उत्ते FIR दर्ज कर दित्ती गई है। कैप्टन अमरिंदर सिंह जे पर्सनली इंटरवीन करना चाहते हैं तो इस चीज़ लिए इंटरवीन करन कि इन लड़कियों इन बच्चों को प्रोटेक्ट करन, ना कि जो दोषी है उन्होंने प्रोटेक्ट किया जाए। अगर किसी राहगीर ने उन्हें किसी की धी भैन के इज्जत हाथ पिया, उन्होंने कुटिया मारिया है, या उन्होंने नेकड़ करके भेजा है, वो चीज़ का कोई कसूर नहीं। रादर लोग जागरूक हो और हर धी भैन जो है बचाने की कोशिश करन अगे आ के। एक तरन तारण पुलिस के ध्यान वीडियो आई सी जिदे एक व्यक्ति ਉਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰ ਕੇ ਨਗਨ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਘੁਮਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਜੋ ਚੈੱਕ ਕਰਨ 'ਤੇ ਇੱਕ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ
ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਉਹਦੇ ਲੜਕੇ ਦੇ ਫਾਦਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਇੱਕ ਲੜਕੀ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਸ ਲੜਕੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਬੁਲਾਇਆ, ਜੋ ਕਿ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਈ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਉੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਲੂਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਕਿ ਬਹੁਤ ਮਾੜਾ ਸੀਗਾ। ਇਮੀਜੀਏਟਲੀ ਪੁਲਿਸ ਵੱਲੋਂ ਐਕਸ਼ਨ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, 7 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੇਸ ਰਜਿਸਟਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 6 ਮੇਲ ਅਤੇ 1 ਫੀਮੇਲ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਦੋਸ਼ੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਅਗਲੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੀ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਵੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 1-2 ਵਿਅਕਤੀ ਹੋਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ। ਇਹ ITI ਐਕਟ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਲੜਕੀ ਤੇ ਲੜਕੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹੀ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕੋਈ ਲੜਕੀ ਨੂੰ ਲੜਕੇ ਨੇ ਕੋਈ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਅਜੇ ਮੁੱਢਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹੀ ਚੀਜ਼ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਾਣਕਾਰ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤਫਤੀਸ਼ 'ਚ। JBD Banquets lie hai incredible marriage palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden, world class catering, centrally air conditioned, lush green lawns, state of the art lighting, a perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise. ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।